झारखंड में हेमंत कैबिनेट का विस्तार शुक्रवार को हो सकता है। सीएम हेमंत सोरेन ने गवर्नर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर समय मांगा है। बताया जा रहा है कि 8 मंत्री शुक्रवार को शपथ ले सकते हैं, जिसमें जेएमएम कोटे से 5 और कांग्रेस कोटे से 3 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार दोपहर में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इससे पहले सुबह में मंत्रियों को सूचना भेजी जाएगी। बताया जा रहा है कि बाकी बचे सभी 8 पदों पर मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मंत्री पद के रेस में जेएमएम से स्टीफन मरांडी, हाजी हुसैन अंसारी, चंपई सोरेन, जोबा मांझी, दीपक बिरुआ, मिथिलेश ठाकुर, बैद्यनाथ राम, मथुरा महतो और जगन्नाथ महतो का नाम आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस कोटे से बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख और दीपिका पांडे सिंह के नाम सामने आ रहे हैं। विषय नहीं है ना कोई एक्शन है। विपक्ष चूंकि इतनी करारी हार इनको खेलना पड़ा है और हमारी मजबूती, हमारी एकता देखकर वो ज़्यादा परेशान है और चूंकि विपक्ष अपने षड्यंत्रकारी बहुत चरित्र से बाज भी नहीं आती है तो सत्ता पक्ष भी अपने रणनीति के तहत अपना काम कर रही है। आप बहुत जल्द महामहिम से अग्नि मंत्रियों का शपथ ग्रहण का समय मांगा जाएगा। गौरतलब है कि सीएम हेमंत सोरेन के साथ 29 दिसंबर को 3 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें से 2 कांग्रेस और 1 आरजेडी कोटे से मंत्री बने थे, जिसके बाद अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। विपक्ष से लेकर सरकार पर सवाल भी खड़ा करता रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच मंत्री पद को लेकर विवाद चल रहा था, जो अब सुलझा लिया गया है।